आजाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। सिक्योरिटी पर पुलिस रेंजर्स की 5,000 इजाफी नफरी तैनात। इमरान खान काले करतूतों पर अंदर जाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्ला कहते हैं कि जब भी इलेक्शन होंगे नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। असमिया तोड़ना मैंडेट का मजाक उड़ाना है। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं इमरान खान ने धमकी आमेज लहजे में मुजाकरात की पेशकश की। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह का कहना है कि एमक्यूएम से कोई डील नहीं हुई। कराची की बोली ना लगाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी खरीदो फरोख का सिलसिला खत्म करें। मेयर जो भी आए शहर कायद को सियासत की नजर ना करे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं हमें अपने शहर की हिफाजत करनी चाहिए। वजीर आला सिंध की सेनेट पॉल हाई स्कूल आमद, सिंध सकाफती तकलीफ का अफ्ताह। मुराद अली शाह का कहना था कि पाकिस्तान मुख्तलिफ सकाफतों का मस्कन है। शहर कायद में लूटमार की वारदातें न थम सकी। शफीक मोड़ के करीब शहरियों से लूटमार। सर्विस स्टेशन पर मुलजिमान नकदी मोबाइल छीन कर फरार। रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। बल्दिया टाउन से मनशियात फरोश डकैत गिरोह का सरगना जलाल गिरफ्तार। असलहा और 30 पैकेट गुटखा भी बरामद। कराची में सरकारी अफसर के घर डकैती की कोशिश नाकाम। सोल्जर बाजार पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। 100 सऊदी रियाल का नोट और असलहा बरामद। लाहौर में चक्की मालिकान ने आटे की कीमत बढ़ा दी। ओपन मार्केट में गंदम की फी मन कीमत 4,000 रुपए तक पहुंच गई। पाक बहरिया के सरबरा का तुर्किया, जर्मनी और आजरबाईजान का दौरा। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी की मेजबान ममालिक की अस्करी क्यादत से मुलाकात है। दुनिया भर में 65 करोड़ अफराद किसी न किसी माजूरी का शिकार। माजूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। उनके मसाइल उजागर करना दिन मनाने का मकसद है। और सऊदी अरब के शहर जद्दा में सजा रेड सी फिल्म फेस्टिवल। 67 ममालिक से फनकारों की शिरकत। बेहतरीन फिल्म का अवार्ड जॉर्ज योन के ब्रिंस फोर्थ के नाम।